थैंक यू सर फॉर ग्रेसिंग. धन्यवाद. थैंक यू सर फॉर ग्रेसिंग. धन्यवाद. थैंक यू सर फॉर ग्रेसिंग. Thank you, Rekha Devi ji, for being here with us today. Shrimati Chinta Devi, wife of head. एक खबर है कि हम लोगों ने करीबन ना करीबन सर 12 करोड़ 90 लाख 93 लाख एंड समथिंग we have just earned for भारत के लिए. जोरदार तालियां आप लोग. ये प्रूव तो हो ही, अनेक बार प्रूव हुआ है ये बात तो, लेकिन आज कुछ सच में मतलब ऐसी भावनाएं बह रही है ना यहाँ पर. गॉड ब्लेस यू. देखिए जो माता जी ने यहाँ इतनी गहरी बात कही कि 10 रुपया से लेके करोड़ों तक आप दे सकते हैं, और भारत में वीरों की कमी नहीं है, और ये भी जीते जागते परम वीर मानता हूं जिन लोगों का हृदय धड़कता हो कुछ बातों के लिए, संवेदनाएं हो. और ये परिदृश्य अब ऐसा हो रहा है, मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पहले से जानता हूँ, धीरे धीरे पहचान रहा हूँ, उनके लिए गा चुका हूँ, उनके फैमिली फंक्शन. हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री हंत राज जी अहिर, श्री किरण जी रिजू और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत जी डोभाल, हमारे होम सेक्रेटरी श्री राजीव जी गौबा और इसे हिंदुस्तान के माने जाने लोकप्रिय बॉलीवुड के ही नहीं कहूंगा लेकिन सभी के प्रिय हैं ऐसे हमारे प्रिय अक्षय कुमार जी, कैलाशी खेर जो कि हमारे देश के माने जाने गायक हैं, और हमारे सीएपीएफ के सभी महानिदेशक वरिष्ठ अधिकारी हैं, और सभी शहीद परिवारों के, सभी नहीं कुछ शहीद परिवारों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी संबोधित करता हूँ. और जो लोग शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं उनको भी संबोधित करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि श्री पुनीत डालमिया, उनके फादर गौतम डालमिया, माने पूरी डालमिया या फैमिली ने एक बहुत बड़े पुण्य कार्य में इसे मानता हूं. के लिए जो इनिशिएटिव लिया है उसके लिए सबसे पहले मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं. अभी आपने देखा कि हमारे एक असिस्टेंट कमांडेंट एसएसबी के कनिष्क, आपको एक हिस्ट्री आपके सामने बतला रहे थे एक शहीद की. मैं समझता हूं कोई भी संवेदनशील व्यक्ति रहा होगा स्वाभाविक रूप से उसकी आंखों में आंसू आए होंगे. ऐसी आपको हजारों शहीदों की गाथाएं हैं. यदि इन शहीदों के जीवन इतिहास को उठाकर पढ़ें और ऑपरेशन के दौरान जो उनका रोल रहा है, जो उनकी भूमिका रही है, उसकी जानकारी हासिल करें तो ऐसा ही मिलेगा. और मैं मानता हूं कि आज सब जो आप लोग यहां पर मौजूद हैं, एक तो राष्ट्र प्रेम की भावना के परिणाम स्वरूप आप इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, और दूसरा मैं यह भी मानता हूं कि आप बड़े उदार मना हैं, बड़े मन के लोग हैं, इसलिए भी आप कार्यक्रम में यहां पर मौजूद हैं. इसके बारे में सोचा कैसे? मैं बराबर अपने जितने महानिदेशक हैं, अपने होम सेक्रेटरी, इन लोगों से चर्चा करता रहता था जब से मैंने गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी 2014 में संभाली, तब से कि मैं देखता हूं कि हमारे जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए
इस देश में शांति और व्यवस्था को बहाल करने में अपना बलिदान देते रहते हैं। और हमें उन्हें उनके परिवारों के लिए जितना करना चाहिए हम नहीं कर पाते, लेकिन यह भी हकीकत है कि हम चाहे शहीद परिवारों के लिए जितना भी कम करें, जितना भी करें, वह कम ही रहेगा, वो कभी अधिक नहीं कहा जा सकता। चाहे हम जितनी भी धनराशि उन्हें मुहैया करा दें, आप भी मेरी बातों से सहमत होंगे कि मनुष्य की जिंदगी को पैसों के आधार पर उसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती है। लेकिन फिर भी मन के अंदर एक भाव पैदा हुआ तो मैं बराबर इसकी चर्चा करता रहता था। और जितना अमाउंट मिलना चाहिए वो उतना संभव नहीं हो पा रहा था, तो उस समय मैंने कहा था कि भारत का रहने वाला हर नागरिक राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है। सबके दिल में कुछ न कुछ इच्छा होगी कि ऐसे परिवारों के साथ हम भी खड़े हों, ऐसे परिवारों के प्रति हम भी हृदय की गहराइयों से अपने सम्मान की अभिव्यक्ति करें। तो कुछ न कुछ इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए। और लोगों ने इस दृष्टि से काम प्रारंभ किया और अक्षय कुमार जी का हमारे बहुत सहयोग रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अक्षय कुमार ने भी निभाई है। और भारत के वीर करके एक वेबसाइट हम लोगों ने लॉन्च किया। उस वेबसाइट के डिटेल के बारे में तो मैं नहीं बतलाऊंगा, मैं समझता हूं कि हम में से कोई उस वेबसाइट के डिटेल के बारे में जानकारी आपको देगा। जिस खुले दिल से उनको हमारी हिफाजत करने वाले, हमारी सुरक्षा करने वाले, हमारे देश की हिफाजत और सुरक्षा करने वालों परिवारों के प्रति एक सम्मान की अभिव्यक्त करनी चाहिए, चाहते हुए भी वह नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने प्रारंभ में ही बोलते हुए कहा कि जो बड़े मन के लोग होते हैं वह इस काम को करते हैं। और केवल धन होने से ही कोई व्यक्ति धनी नहीं होता है, मैं तो यह मानता हूं जिसका मन बड़ा होता है वही धनी होता है। पुनः आप सबसे सहयोग की अपील करते हुए और इस कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ।